वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो था हमारा टॉपिक है ये रेडिएशन के ऊपर है, SLO 9.4। ये इस जो रेडिएशन है ये टॉपिक बहुत वसी टॉपिक है और इस टॉपिक को हम हर रोज़ जो सा अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो सा SLO 9.4.1 डिस्क्राइब रेडिएशन एज द इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, इसलिए इसके बारे में कुछ ना कुछ इलम होना ज़रूरी है कि क्या तफसील है इसकी। रेडिएशन इज़ द इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू ए मटेरियल मीडियम। इसका मतलब है कि ये अगर जो रेडिएशन है ये असल में इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और मीडियम में भी ट्रैवल कर लेता है, यानी दोनों में ये ट्रैवल कर सकता है, मीडियम के बगैर भी और मीडियम के अंदर भी। इसलिए रेडिएशन जो सा ये वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती है, हीट जो सी है। दिस इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाती हैं, यानी इसको ये वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेडिएशन। ये सारी की सारी जो सी हैं ये रेडिएशन के अंदर आती हैं और वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं। आवर सन इज़ दी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम देखें तो हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ी सोर्स है एनर्जी की वो सन है। इट रीचेज अस नाइदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो हमने पहले पढ़े हैं कि उसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि कंडक्शन जो सा है उसमें सॉलिड मटीरियल होता है, कन्वेक्शन में एयर या एयर होती है, गैसेज होती हैं या लिक्विड होता है। बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन एंड स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर एम्प्टी। अब अगर देखें तो जो सन है और अर्थ है इसके दरमियान में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जो जगह है स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है, उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। देयर इज़ थर्ड मोड कॉल्ड रेडिएशन बाई विच ही ट्रेवल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के अलावा एक तीसरा मीडियम भी है जिसके ज़रिए से हीट ट्रैवल करती है और वो कहलाता है रेडिएशन, उससे एक जगह दूसरी जगह हीट ट्रैवल करती है। इट इज़ थ्रू रेडिएशन दैट हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन। इसका मतलब है कि वो थर्ड जो सा मीडियम है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड जो सा आपका प्रोसेस है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो आपका रेडिएशन है जिसके ज़रिए से हीट जो सी सन के ज़रिए से हमारे तक पहुँचती है। इफ़ वी हैव ए फायर प्लेस इन अ रूम, अब हमने हीटर लगाया हुआ या कोई भी चीज़ जलाई हुई है रूम में, कमरे में, दैन हीट डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब जो सा वो हीटर है उसमें जो सी हीट हमारे तक डायरेक्टली पहुंचेगी वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के ज़रिए से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि एयर जो सा एक पुअर कंडक्टर है, हीट ट्रैवल जो सी उसके अंदर अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए हीट फ्राम फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाई प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो एक ये रेडिएशन के प्रोसेस से हमारे पास पहुँचती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में। तो अगर आप अपनी बुक जो सी है PTB की बुक है इसकी बिल्कुल पहला पेज देखें तो उसमें तीनों जो से हैं उसने डिस्क्राइब किए हुए, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो उसमें रेडिएशन जो सा है उसको वेव्स की सूरत में दिखाया हुआ है, इसलिए फायर प्लेस से जो सा हमारे पास रेडिएशन आती हैं डायरेक्टली वो रेडिएशन के ज़रिए से आती हैं, जो हीट आती है वो रेडिएशन के ज़रिए से आती है। इफ़ अ कार्डबोर्ड और अ शीट ऑफ पेपर कैप्ट इन द पाथ ऑफ रेडिएशन स्टॉप दीज वेव्स टू रीच अस। अगर हम अपने और जो आपने हीटर लगाया उसके दरमियान में एक कार्डबोर्ड लगा दें या कोई भी पेपर की शीट लगा दें तो हीट जो सा है ना वो आपके पास डायरेक्टली जो सा पहुँचनी जो सा स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो सी है रेडिएशन के ज़रिए से हमारे पास पहुंचती है। तो ये अब हमारा आज का टॉपिक था कि इसमें रेडिएशन जो सा है इसकी इमिशन जो होती है या ट्रांसमिशन जो सी होती है एनर्जी की वो रेडिएशन के ज़रिए से कैसे होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने ये बताया कि हीट जो सी है वो असल में सन के ज़रिए से जो मेनली आती है वो हमारे पास रेडिएशन के ज़रिए से आती है और इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।